तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं फार्मा सेक्टर का एक शानदार पेनी स्टॉक कंपनी का नाम है सिनकॉम फॉर्मुलेशंस लिमिटेड। दोस्तों अभी कोरोना का जो डर बैठा है मार्केट में और उस टाइम पे जो शेयर चलेंगे वो चलेंगे फार्मा सेक्टर के शेयर, और इसीलिए मैं आपको पेनी स्टॉक बता रहा हूँ। इसके बारे में काफ़ी बार बता चुका हूँ और पेनी स्टॉक में सबसे अच्छा बेस्ट फार्मा जो अगर कोई शेयर होगा तो वो है सिनकॉम फॉर्मुलेशन। ये खुद के प्रोडक्ट्स बनाती है, खुद के ब्रांड्स हैं इनके और पूरा डीलरशिप नेटवर्क है, और ये सब फार्मा सेक्टर में और मेडिकल सेक्टर में अपना मार्केटिंग करके सेल करती है। इसका हम लोग फंडामेंटल जान लेते हैं। सबसे पहले इसका फ्राइडे का जो क्लोजिंग था 10 रुपीज़ था एंड 52 वीक हाई था 13 रुपीज़ 60 पैसा। इसका पी है 29 का जो कि ठीक ठाक है इसके रेट के हिसाब से। ईपीएस है 0.35 का। कंपनी लगातार प्रॉफिट में है और इसका इक्विटी काफ़ी बड़ा है इसलिए इसका ईपीएस आपको कम दिख रहा है, पर कंपनी कभी लॉस मेकिंग नहीं है, ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। और 10 रुपये के शेयर के हिसाब से 0.35 का ईपीएस भी कम नहीं होता है दोस्तों, अच्छा ईपीएस माना जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.31 का है, मतलब डेट भी कंपनी पे काफ़ी कम है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 44% प्रोमोटर के पास है, एफआईआई के पास है 0.58% और डीआई के पास कोई इसमें कोई भी स्टेक नहीं है, बट एफआईआई ने इसी क्वार्टर में इसमें अपना स्टेक 0.58% का लिया है। जब ये शेयर शायद 6 रुपीज़ के आसपास चल रहा होगा जब उन्होंने एंट्री मारी होगी, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो इसका सितंबर 2020 में प्रॉफिट था 9 करोड़ 24 लाख रुपीज़, जून 2021 में वो बढ़कर हो गया 5 करोड़ 40 लाख, घटकर हो गया 5 करोड़ 40 लाख रुपीज़, एंड सितंबर 2021 में वो बढ़कर हो गया 5 करोड़ 62 लाख रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि करोड़ों में इसका प्रॉफिट है, कंपनी शानदार है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और वह हिसाब से आप अगर आप देखेंगे अभी मार्केट की गिरावट में ये स्टॉक दोस्तों अपर सर्किट में चलता है ज़्यादा करके। रिजल्ट भी अच्छा आया है, मार्केट चलेगा तो यही शेयर आपको अपर सर्किट लगाते हुए दिखेगा। अभी गिरावट में मिल रहा है 10 रुपीज़ में, हो सकता है 9 रुपीज़ तक भी जाए, तो आप इसको हर रेट में थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए। मार्केट कितना गिरेगा पता नहीं, पर जब चलना शुरू करेगा तो फार्मा सेक्टर में अभी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और उसमें सिनकॉम फॉर्मुलेशंस भी ये शेयर आपको अगर 14 रुपीज़ का रेट भी दिखाता है तो 40% का प्रॉफिट आपको शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। वो हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक की अगर आपका कोई होगा कोटा जो रिजर्व होगा तो उसमें सिनकॉम फॉर्मुलेशंस को मत भूलना दोस्तों। फंडामेंटली साउंड कंपनी एंड इससे अच्छी पेनी स्टॉक आपको वन ऑफ द बेस्ट पेनी स्टॉक है जो मेरे रडार पर रहता है, और इसको हरदम अपने बाय करते रहता हूँ सेल करते रहता हूँ, ऐसा स्टॉक है। तो आप भी इसको जरूर कंसिडर कीजिए इस मार्केट की गिरावट में थोड़ा थोड़ा बाय करके एवरेजिंग करके लेने का सिनकॉम फॉर्मुलेशंस लिमिटेड को। थैंक यू।